हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के आपने पिछली क्लासेस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना होता है थ्रू अ मटेरियल, एक मटेरियल के थ्रू, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो मटेरियल कोई भी हो सकता है, हम मोस्टली देखते हैं कॉपर वायर्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो कॉपर जो है वो बेस्ट मटेरियल है, इसका कंडक्टर है। तो हम दो बातें आज सीखेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, कि कंडक्टर क्या हैं और इंसुलेटर क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस दैट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस जो करंट को अलाउ करते हैं फ्लो थ्रू देम, चार्ज उनके अंदर से फ्लो कर सकता है आसानी से, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। जबकि जो दूसरे अपोजिट वाले सब्सटेंस, सम सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते टू फ्लो थ्रू देम, उनके अंदर से फ्लो करने के लिए, सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंसुलेटर, उन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं और पुअर कंडक्टर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद आपको एक टेबल दे रखी है, आपको बताना है कौन सा कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, और कौन सा पुअर कंडक्टर है। कुछ सब्सटेंसेस के ऑब्जेक्ट के नाम आपको दिए हुए हैं, तो कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहला आयरन नेल है, तो आयरन नेल क्या है, एक गुड कंडक्टर है, उसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है। आयरन ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, तो उसमें आपने गुड कंडक्टर पर टिक लगा देख रहे हैं टेबल में, उसी तरीके से आपको टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे कि पीस ऑफ ग्लास, वुड, लकड़ी, कॉपर वायर, इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर है कौन सा बैड, आपको केवल उस पर टिक लगाना है। स्टूडेंट्स जिस तरीके से सॉलिड, उसी तरीके से लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू लिक्विड, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किस तरीके से होता है, कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो गुड कंडक्टर कहलाएंगे। कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, वो पुअर कंडक्टर कहलाएंगे। इसका टेस्ट हम एक सर्किट डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, तो इस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि दो तरीके के हमारे लिक्विड हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिक्विड, दोज लिक्विड दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है इजीली, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और कंडक्टिंग लिक्विड भी कहा जा सकता है। इन्हें कंडक्टिंग लिक्विड जो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं बट इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते कि हीट की वजह से फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लो करने लगे, तो उसके लिए हम एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब का यूज़ करते हैं।